72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बीते साल कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन पूरे देश में उसका डटकर सामना करने का साहस था, उसका जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया गया। फिर वो चाहे आम जनता हो, किसान हो या फिर वैज्ञानिक, सभी ने एकजुटता दिखाई। पूरा देश एक परिवार की तरह एकजुट हो गया। राष्ट्रपति ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश के किसानों ने फसल की पैदावार में कमी नहीं होने दी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि 2020 हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है। कोरोना की लगभग एक वर्ष की अप्रत्याशित अग्नि परीक्षा के बावजूद भारत हताश नहीं हुआ है, बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर होकर उभरा है। हमारे देश में आर्थिक मंदी थोड़े समय के लिए ही रही, अब हमारी अर्थव्यवस्था पुनः गतिशील हो गई है। आत्मनिर्भर भारत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनी खुद की वैक्सीन भी बना ली है। अब विशाल पैमाने पर टीकाकरण का जो अभियान चल रहा है, वह इतिहास में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रकल्प होगा। इस प्रकल्प को सफल बनाने में प्रशासन एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग पूरी तत्परता से कार्यरत हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में भारत की ओर आंख उठाकर देखने वाले देशों को भी दो टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भले ही हम शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल हैं, लेकिन फिर भी देश के खिलाफ किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और तैनात हैं। हम हर स्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। हालांकि हम शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल हैं, फिर भी हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना हमारी सुरक्षा के विरुद्ध किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं। प्रत्येक परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं। भारत के सुदृढ़ और सिद्धांत परक रवैये के विषय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भली भांति अवगत है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजधानी में जमीन से लेकर आसमान तक अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था है। राजधानी की सुरक्षा में हजारों सशस्त्र जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डों और बस टर्मिनल्स पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने कहा है कि केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग स्टेशन 26 जनवरी की सुबह बंद रहेंगे। इसके अलावा इन सभी स्टेशन पर पार्किंग भी आज सुबह 6 बजे से लेकर कल दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। कल पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर तैयार हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली को पुलिस ने शर्तों के साथ इजाजत दी है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कल होने वाले किसान मार्च से पहले हालात का जायजा लिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो किसान तय रूट से हटेंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन किसान नेताओं ने इस पर एतराज जाहिर किया है। किसान नेता सुखविंदर सिंह सबरा का कहना है कि शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड मंजूर नहीं है और दोपहर 12 बजे के बाद ट्रैक्टर रैली का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ जारी हल्ला बोल को आज मुंबई में भी जोरदार समर्थन देखने को मिल रहा। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। वहीं किसानों की रैली को समर्थन देने के लिए NCP चीफ शरद पवार भी आजाद मैदान पहुंचे। आपको बता दें कि आजाद मैदान में रैली के बाद किसानों को राजभवन तक मार्च निकालना था, लेकिन सभी किसानों के वहां तक जाने की इजाजत नहीं मिली। ऐसे में कुल 23 किसान प्रतिनिधिमंडल ही राजभवन गए और अपनी मांगों के उन्होंने सामने रखा। भारत चीन के बीच एक बार फिर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़पों की खबरों के बीच भारतीय सेना ने स्थिति साफ की है। भारतीय सेना ने बयान जारी कर कहा है कि 20 जनवरी को उत्तरी सिक्किम के नाकुला में मामूली झड़प हुई थी और इसके बाद स्थानीय सैन्य कमांडर्स ने झगड़े को सुलझा लिया है। खबरों के मुताबिक चीन की सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकामयाब कर दिया। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के जख्मी होने की भी खबर थी, लेकिन भारतीय सेना के मुताबिक ये मामूली झड़पें थी जिसे सुलझा लिया गया। सिक्किम के नाथुला में चीनी सेना के साथ हुई झड़प को भले ही भारतीय सेना ने बड़ी बात नहीं कहा हो, लेकिन कांग्रेस और उसके नेता उसे भी मुद्दा बनाकर सरकार को घिरने का मौका नहीं चूक रहे हैं।
20 जनवरी को नाथुला में एलएसी पर दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प पर ट्वीट कर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला किया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय क्षेत्र में चीन कब्जा करते जा रहा है, लेकिन पिछले कई महीनों से पीएम मोदी की ओर से इस संबंध में एक भी बयान सामने नहीं आया। आपको बता दें कि मामले के बाद भारतीय सेना की ओर से कहा गया है कि उत्तरी सिक्किम के नाथुला में हुई तनातनी मामूली थी, जिसे निर्धारित प्रोटोकॉल्स के तहत स्थानीय कमांडर्स ने सुलझा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र और प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। एक रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की जानकारी पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि बालाकोट की जानकारी पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, एनएसए, गृहमंत्री और वायुसेना प्रमुख के अलावा एक निजी टीवी चैनल के संपादक को भी थी, और उससे भी बड़ी बात यह कि टीवी चैनल के संपादक को हमले से पहले की जानकारी थी। राहुल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एयर इंडिया के हमारे पायलटों की जान को खतरे में डाला गया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष पर लगातार हमला कर रही है। आज भी पुरशुरा की एक रैली में ममता ने बीजेपी और विपक्ष पर हमला किया। ममता ने कहा कि चुनावों को देखते हुए विपक्ष लोगों में भ्रम फैला रहा है। ममता ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम तीनों भाई हैं, और सीपीएम और कांग्रेस मिलकर ही बीजेपी को पश्चिम बंगाल में लाई है। ममता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ टीवी पर जीत रही है, उन्हें टीएमसी टिकट नहीं दे रही है। जिन्हें टीएमसी जो है वो टिकट नहीं दे रही है, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के कई नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले 32 बहादुर बच्चों से पीएम मोदी ने बातचीत की। कोरोना को देखते हुए पीएम मोदी ने बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस मौके पर पीएम ने बच्चों से कहा कि बच्चों की सफलता की खुशी में बच्चों को खो नहीं जाना चाहिए। पीएम ने बच्चों से कहा कि लोग सफलता के लिए उनकी खूब तारीफ करेंगे, लेकिन इन सब से भटकना नहीं है। पीएम ने कहा कि रास्ते भटकना बच्चों के लिए बाधा बन सकता है। आपको बता दें कि इस साल सरकार ने कला, संस्कृति, इनोवेशन, शिक्षा, समाज में क्षेत्र के लिए बेहतर काम करने वाले इस साल के 32 बच्चों को चुना है। कला संस्कृति क्षेत्र में 7 बच्चे, इनोवेशन के क्षेत्र में 9, शिक्षा के क्षेत्र में 5, खेल में 7 और बहादुरी के लिए 3 बच्चों को पुरस्कार मिला है।